सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करती है तो दूसरी तरफ नौनिहालों के लिए समुचित सुविधा वाले भवन नसीब नहीं हो पा रहे हैं। तीन सैक के नीचे पाठशाला, इसे सुनकर सहज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। 3 साल बीत जाने के बाद भी इस स्कूल को भवन नसीब नहीं हुआ। पढ़ते हैं भारत की बदहाल तस्वीरों के साथ। राजस्थान के बूंदी जिले का ऐसा स्कूल जहां पे हालात देख आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा सरकारी स्कूल की जहां शिक्षक ही है ब्लैक बोर्ड और रजिस्टर भी नहीं है तो बस क्लासरूम और ना ही शौचालय। इन बच्चों के खेलने के लिए ना तो खेल का मैदान है और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी। जिले में अभी भी कुछ ऐसे ही शिक्षा के हालात हैं। तपती धूप हो या फिर कड़ाके की सर्दी, फिर भी नौनिहाल छात्रों को इसी में पढ़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, बारिश में यहाँ मुसीबत और खड़ी हो जाती है। बारिश होने पर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बूंदी जिले के भजनेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम चिताकी झोपड़िया स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों की। यहाँ शासकीय योजना तक की धज्जियाँ उड़ रही हैं। स्कूल भवन के अभाव में 120 बच्चों के 3 सेट के नीचे बैठकर अपना भविष्य बनाने को मजबूर हैं। ग्रामीण भवन निर्माण की जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व मंत्री तक मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। 3 साल पहले हमारे स्कूल में पानी भरने की वजह से स्कूल को ये प्रशासनिक अधिकारियों को बताया, उन्होंने जमीन दोज करवा दी और उसके बाद से हमारे जमीन के मामले को लेकर स्कूल का निर्माण अभी तक अटका हुआ है, जबकि इसके पैसे भी स्वीकृत हो गए हैं। अब हमारे पूरे बच्चे हैं ना जो टिन सेट के नीचे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और जब भी बरसात आती है तो इनको घर जाना पड़ता है या फिर गर्मी में भी परेशान और सर्दी में भी परेशान। और यहाँ पर खेतों में से ये जहरीले जंतु भी निकलते हैं, कभी कभी तो सांप आ जाते हैं तो बच्चों को डरना पड़ता है, कभी गोई रहते हैं कभी क्या आ रहा है। तो हमारे तो यही गुंजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी स्कूल बनाई जाए। मैं बेरू प्रकाश मीणा SMC अध्यक्ष बोल रहा हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।